पर अब नोटबंदी के बाद गोल्ड को लिया है, गोल्डबंदी शुरू की है। मोदी सरकार ने सोना रखने की लिमिट तय कर दी है। आज आप ये जान लीजिए कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। ये समझने से पहले ये भी समझ लीजिए कि आपके घर में रखे सोने पर कोई खतरा नहीं है। अपनी इनकम के मुताबिक अगर आपके पास सोना है और आपके पास उसका पूरा हिसाब है तो बिल्कुल नहीं घबराइए। सरकार के निशाने पर सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक मनी खपाने के लिए 8 नवंबर के बाद ज्यादा सोना खरीदा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे पति पत्नी और बेटी आपको दिखाई दे रहे हैं, पति पत्नी और बेटी। सरकार ने लिमिट तय कर दी है। दरअसल सरकार ने यह कहा है कि 8 नवंबर के बाद अगर किसी परिवार ने सोना खरीदा है तो फिर पति के पास सिर्फ 100 ग्राम, उसकी पत्नी के पास 500 ग्राम और उसकी बेटी के पास जो कि अविवाहित है उसके पास सिर्फ 250 ग्राम ही सोना रह सकता है। पति पत्नी और बेटी के पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 850 ग्राम ही सोना रहना चाहिए। बाजार में इसकी कीमत है 25,50,000 रुपए। यानी कि 8 नवंबर के बाद अगर आपने सोना खरीदा है तो फिर आपके घर में 850 ग्राम सोना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो सरकार आपसे हिसाब मांगेगी। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि अगर आपके पास पुश्तैनी सोना है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठने वाला। 8 नवंबर से पहले जो सोना आपके पास था उसके बारे में कोई पूछताछ आपसे नहीं होगी। मोटा माटी खबर आप ये समझिए कि अगर आपके घर में 8 नवंबर से पहले जो सोना या फिर गहने पड़े हुए हैं उस पर सरकार अब आपसे कोई सवाल नहीं करेगी। लेकिन 8 नवंबर यानी कि नोटबंदी के ऐलान के बाद आपने जो भी सोना खरीदा है उसकी एक लिमिट तय कर दी गई है। लिमिट हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर है कि अगर पुरुष है तो 100 ग्राम सोना, उसकी पत्नी है तो 500 ग्राम सोना और उनकी बेटी है जो कि अविवाहित है तो उसके पास 250 ग्राम सोना होना चाहिए। मतलब इस परिवार के पास 850 ग्राम सोना। इसी पर वेंकैया नायडू ने कहा है, अब वो सुन लीजिए। इस सोना के बारे में गलत प्रचार हो रहे, जो नया कानून कल लोकसभा ने पारित किया परसों और राज्यसभा में है, उसमें सोना के संदर्भ में कोई नया प्रोविजन हमने डाला नहीं। सोना जो आपका क्या कहते एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, नहीं तो पहले से आपके पास सोना है, इसके बारे में कोई पूछने वाले नहीं है। मगर जो इस साल में ये जो नवंबर 8 तारीख के बाद आप जाके कोई खरीद करे 1 किलो 2 किलो ऐसा करके हम डिक्लेयर करेंगे ये कहेंगे हमारा पुराना है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कहाँ से आया। अदरवाइज फैमिली स्त्रीधना जिसको कहते हैं हम लोग, और एंसेस्ट्रल वाला जो है महिलाओं के पास, उसके बारे में कोई सवाल पूछने वाले नहीं है। आज रेवेन्यू विभाग ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्पष्ट रूप में स्पष्टीकरण दे दिया है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो नया नियम आया है उस पर परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि पुश्तैनी ज्वेलरी की आखिरकार पहचान कैसे हो। मेरे सामने इस वक्त एक हार है जो सोने का, ये हार है ओरिजिनल, ये सोने का हार है, लेकिन अगर मैं ये कोशिश करूं कि इसकी पहचान हो जाए कि क्या ये पुश्तैनी हार है या फिर ये खरीदा हुआ हार है, तो कैसे वो पहचान हो, संजीव जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पुश्तैनी ज्वेलरी की पहचान कैसे हो, हम चाहें आप इस पर बताएं कि कैसे ये पहचान हो सकती है। ये सर मेरा हार है, ये अभी बन के आया है ये, ठीक है, और कल को अगर 2 साल बाद ये बिकने आए तो ये पुश्तैनी ज्वेलरी नहीं है। पुश्तैनी ज्वेलरी होगी कम से कम 10-15-20 साल तक की और इसकी पहचान करना असंभव है। हम चाहेंगे आप सामने कैमरे पर दिखाएं कि किस तरह से इसकी पहचान हो अगर संभव है। ये देखो नया डिजाइन का हार है, अगर ये अभी लेके आए हमें 1 साल बाद की पुश्तैनी ज्वेलरी है तो हम मान ही नहीं सकते इसको जी। उसकी घड़ाई अलग ही होती है, डिजाइनिंग उसका अलग होता है। यानी आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पुराने डिजाइन को नए डिजाइन में तब्दील करवा ले तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, इसमें असंभव है, कोई पुराना डिजाइन को अगर नए में कन्वर्ट करवा लेता है तो दिक्कत है उससे पहचानना। इसके लिए तो कोई ज्वेलर ही आएगा जब ये इसकी पहचान होगी। यानी कुल मिलाकर पहचान बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है पुश्तैनी ज्वेलरी। जी जी जी। नई ज्वेलरी की पहचान कैसे हो, हॉलमार्क ज्वेलरी की बात करें? आज से 6-7 साल पहले 916 हॉलमार्क आया है, उस पे डेट उसका सब चीज पड़ा होता है, उसकी हम पहचान कर लेते हैं, पर पुश्तैनी ज्वेलरी की पहचान नहीं हो पानेगी। सरकार ने लिमिट साथ दी है, अब आपके पास अगर आप गहना पहनती हैं तो 500 ग्राम से ज्यादा नहीं रख सकती अगर आप शादीशुदा महिला हैं, और जो बिन ब्याही
लड़की है वो भी 250 ग्राम रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा डिसीजन है, क्या नाम है आपका? संदीप। सर ये डिसीजन ठीक है, मतलब जो 250 ग्राम्स का लिमिट लगा दी है कि अब 250 ग्राम से ज्यादा रख नहीं सकते सोना। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे इसके और नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव ये होंगे कि जितना भी गोल्ड के मतलब फेस को लेकर लोगों ने काला धन रखा हुआ था, अब वो सारा बाहर आएगा, क्योंकि आप 250 से ज्यादा बैंक में भी नहीं रख सकते। इन केस आप रखोगे तो आपके लॉकर्स वगैरह चेक होंगे और वो पकड़ा जाएगा। मोदी आई थिंक विल ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव डिसीजन। एक्चुअली हम आजकल देखे तो ज्यादा कोई गोल्ड इतना पहनता भी नहीं। पर्सनली आई गो इनटू प्लैटिनम और डायमंड और समथिंग, माय मदर टू, सो इट इज नॉट लाइक कि वो गलत डिसीजन ले रहा है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, नोटों को देख लो या उसका इतना प्रॉब्लम, बट फिर भी ही इज डूइंग समथिंग गुड। गोल्डबंदी के बाद अब नोटबंदी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। नोटबंदी के बाद पहली बार 2000 के 4,70,00,000 रुपए जब्त किए गए हैं। छापेमारी में सोने के बिस्किट और पुराने नोट मिलाकर 6 करोड़ बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है। गुलाबी रंग की नोट 2000 के हैं। 2000 के नोट की बेहिसाब गड्डियां बिस्तर पर रखी हैं। जरा सोचिए, आप अपनी सैलरी का पैसा लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। बैंक से पैसा निकालने की सीमा भी तय है, लेकिन बिस्तर पर 2000 के नए नोट पड़े हैं, पूरे 4,70,00,000 के 2000 के नए नोट। किसी को अपना पैसा नहीं मिल रहा और इनके पास 4,70,00,000 के 2000 के नोट कहां से आए। इतना ही नहीं, बेड पर पड़े नोट पर निगाह डालें तो ये देखिए, यहाँ 500 के पुराने नोट और 100 के नोट भी बिखरे पड़े हैं। 500 के पुराने और 100 के नोट पूरे 1,30,00,000 के हैं, यानी नए और पुराने नोट मिलाकर कुल 6 करोड़ के नोट जब्त किए गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ सोने के बिस्किट रखे हैं और गहने भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि सोने के बिस्किट और गहने करीब 7 किलो के करीब हैं। 7 किलो सोना मतलब करीब करीब 3 करोड़ रुपए। 2 इंजीनियर के पास से मिले कुल 9 करोड़ रुपए के नोट और गहने। दरअसल कर्नाटक और गोवा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम ने बैंगलोर में छापे के दौरान ये रुपए बरामद किए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकूत दौलत कर्नाटक के 2 सरकारी इंजीनियर और 2 कॉन्ट्रैक्टर से बरामद की गई है। करोड़ों के नए पुराने नोट और सोने के बिस्किट और गहने के अलावा इनके पास से संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। यानी काले धन का ऐसा अकूत खजाना जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2000 की करेंसी में करीब 4,70,00,000 रुपए की गड्डियां आखिर कहां से आए। 2000 के नए नोट वो भी करोड़ों में कहां से मैनेज किए गए। इंडिया न्यूज का सवाल है कि 4,70,00,000 रुपए के 2000 के नए नोट कहां से आए। क्या बैंकों की मिलीभगत से खेल खेला जा रहा है? लोग पाई पाई के लिए कतार में हैं और घर में कैसे आए 2000 के 4,70,00,000 रुपए? क्या इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता कि नोटबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और नोटबंदी के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, यूपी के फिरोजाबाद से खबर, जहां पर एक बैंक मैनेजर पर आरोप लगा है कि उसने बैंक में कैश लेने आई एक छात्रा के साथ बदसलूकी की, उसके साथ धक्का मुक्की की गई। घटना के वक्त का एक वीडियो भी सामने आ गया है। ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब फिरोजाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के एमजी कॉलेज ब्रांच में बैंक मैनेजर और छात्राओं में तीखी बहस हो रही थी। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने यहां पैसों के लिए लाइन लगाई थी, लेकिन होने की वजह से मामला बढ़ गया। बैंक के गेट पर मौजूद